रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है इसकी, और आज वो लास्ट टाइम वाली रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा जो रिकर्सिव कॉम्बिनेटोरिक्स की थी, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, तो उसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यस, अब इसी में कुछ वेरिएशन है जिनका हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर हमारा ग्राफ ये जा रहा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर मैं ये वाला स्लोप निकालूं जो ये वाला टेंजेंट दे रहा है, ये मैं निकालूंगा कैसे? टेंजेंट का या स्लोप का जो भी फंडा आता है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो फाइनाइट स्लोप होगा। तो जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया जाए। मान लो ये है अपना ए प्लस एच, जिसमें एच अभी जीरो माइनस है। तो जैसे जैसे मैं इस वाले पॉइंट को, ये तो हमने इनिशियल केस माना है, ये एक्स एक्सिस पर माफ कर लेते हैं, तो जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को इस तरफ मूव कराऊंगा, तो उसके कारण ये जो लाइन मूव करेगी ए पे फिक्स रहते हुए और इस डायरेक्शन में करेगी ना, ये जो इस तरफ मूव करेगी। तो इस केस में अभी जो स्लोप आ रहा है, इस स्लोप की ये जो वैल्यू आएगी, लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग का निकट, एच टेंडिंग टू जीरो के कारण जो वैल्यू आएगी स्लोप की, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एम की जो वैल्यू आएगी, वही हमारा एफ डैश ए है। अब क्योंकि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो जरूरी नहीं है कि हम इस पॉइंट पे देखें, अगर हम इसके आसपास के पॉइंट की भी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो भी वो इसके स्लोप की तरफ ही टेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कल को मेरा मन हुआ इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, एच को कुछ या ए प्लस एच को कुछ वाई मान लू, ए प्लस एच को कुछ क्या मान लू, वाई। अब क्योंकि एच टेंडिंग टू जीरो है तो वाई टेंडिंग टू ए होगा, होगा कि नहीं? तो जैसे इसको यहां पुट करेंगे तो एफ डैश ए की डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय नीचे वाई माइनस ए और लिमिट वाई टेंडिंग टू ए। कई बार यूज करते भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में, इस तरह से करते हैं ना, वेरिएबल चेंज तो किया है। इनफैक्ट जो क्लास में भी कर रहे थे प्लस माइनस, बाकी वेरिएशन अरेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन साइडेड देखते हुए ऑब्वियसली अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे इसी लॉजिक से अगर मैं एफ एक्स को लेता हूं ई पावर एक्स, और फॉर सम फाइनाइट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, तो इसका मतलब एक्स को फिक्स रखते हुए मैं उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन, जो पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो लिमिट की बात करते हैं कि हर एक्स पे चेंज हो रहा है, बट हर एक्स पे चेंज जरूर हो रहा है, बट जब हम एक पर्टिकुलर एक्स पे बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक्स को क्या मान रहे हैं, फिक्स। तो उस केस में जब अपना डिफरेंशिएशन आता है एफ डैश एक्स, उसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स और लिमिट वाई टेंडिंग टू एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? सभी अभी जो ऊपर पढ़ा, ऊपर ही फिक्स था, तो ये हो जाएगा ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स और वाई टेंडिंग टू एक्स। यस, ई पावर एक्स ले लो कॉमन, क्योंकि एक्स तो कॉन्स्टेंट है, लिमिट तो वाई पे है, e टू दी पावर y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, टेंडिंग टू जीरो। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड लिमिट में पढ़ रखा है कि ये लिमिट क्या होती है, वन। तो हमारा आंसर घूम फिर के क्या आ जाता है, e पावर x। इस वजह से e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, जो रख लेते हैं हमको, ठीक है ना। अब जो रटने वाली कहानी है वो कौन सी थी, वैसे तो ऑलरेडी पता है, लेकिन तब भी फंक्शन या तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स, फटाफट एक रिव्यू लेते हैं छोटा सा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये तो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। फिर एक पैटर्न ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉग का, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स एल एन ए, फिर एल एन एक्स का वन बाय एक्स जब एक्स पॉजिटिव है, और एल एन माइनस एक्स का भी वन बाय एक्स जब एक्स नेगेटिव है। इसलिए वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन करते हो एल एन मॉड एक्स लिखते हैं।
ln माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करके देखो आ जाएगा, ठीक है ना। और कौन से फंक्शंस पढ़े हमने जिसका डिफरेंशिएशन निकाल, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंडिया फ्रैक्शनल पार्ट की बात नहीं करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट की जब भी बात कर सकते हैं, जैसे देखो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, बस एक्स को इंटीजर मत लेना, लॉग एक्स का नहीं होगा बेटा। देखो अगर लॉग एक्स लिखेगा मतलब ये लॉग एक्स बेस ए लिख, तो लॉग एक्स बेस ए का होगा, हाँ वो टू एनी बेस ही लिख रहा हूं मैं, देख लॉग एक्स बेस ए क्या होगा, एल एन एक्स बाय एल एन ए, आते वन बाय एक्स इंटू एल एन ए, कंसिडरिंग एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव पे वही वापस से दूसरा इशू रिपीट करना पड़ेगा। बाकी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का समझ में आया ना, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स वाई प्लस एक्स वाई 19 आता रहता है, बस इंटीजर में जंप करता है, इंटीजर में डिस्कंटिन्यूअस है, बाकी जगह सुपर है। कई बार हम करते हैं कि फंक्शन को इंटीग्रेट किया और एक्स लिख दिया, कई बार गड़बड़ हो सकती है क्योंकि डोमेन के हिसाब से उल्टा डिपेंडेंसी चेंज हो जाती है, फिर सीधा तो याद रहता है, उल्टा लिखते हो कई बार गड़बड़ कर देते हैं इंटीग्रेशन में, इसलिए ये चीज मार्क करा रहा हूं बस मैं, ठीक है। आगे देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, एक्सपोनेंशियल लॉग हो गए, पॉलीनोमियल इसी में लिख देता हूं, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एक्स का भी वो चेन रूल वगैरह मैं बताऊंगा इसलिए अभी नहीं बता रहा, अभी तो स्टैंडर्ड फंक्शंस लिख रहा हूं क्योंकि वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक इंटीग्रेशंस भी बताने हैं अभी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स एक्स का, अच्छा हमने कुछ का डेरिवेशन किया था क्या इनमें से, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का, चलो कोई बात नहीं, एक बार साइन इनवर्स का एक बार बताया था, कुछ मैं बता दूंगा कुछ तुम लोग करना, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स का इतना, टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का वन अपॉन मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ठीक है। इनके एक बार प्रूफ का आइडिया ले लेते हैं, खासकर ये वाले, वाई को अगर मैं लूं सेक इनवर्स एक्स तो ऑब्वियसली मैं इसके दो जगह डिफरेंशिएशन देखूंगा, वन के बाद और माइनस वन के पहले, दोनों अलग अलग पोर्शन है तो अलग अलग डोमेन में बात करेंगे इनके लिए, कैलकुलस ऐसे चलेगा कहीं ना कहीं कनेक्ट होता होता पहले दूसरे जब, कॉस इनवर्स वन बाय एक्स करके भी तो कर सकते हैं, हाँ ठीक है सेक मेले मेले में ज्यादा अच्छा है उसी को लेते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं उसमें कंफर्टेबल ही हो जाते हो ना, कुछ और सोच के करते हैं थोड़ा सा, तो एक्स को सेक ऑफ वाई, तो डी एक्स बाय डी वाई ये हो जाएगा सेक ऑफ वाई टेन ऑफ वाई, इस वाले से बस एक्स की जगह वाई में किया है ना, तो रेसिप्रोकल ले लो डी वाई बाई डी एक्स वन बाय सेक वाई, तो वन बाय एक्स इंटू टेन वाई ये मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स, बट वाई हटाना है हमें क्योंकि आंसर केवल एक्स में लाना है। अब दो पॉसिबिलिटीज, टेन वाई को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर वाई माइनस वन, ठीक है ना, जब वाई जीरो से पाई बाई टू है और माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, जब वाई पाई बाई टू से पाई है, y 0 से pi by 2, ये वाले केस में x पॉजिटिव है, ये वाले केस में x नेगेटिव है, तो इन दोनों केस को कंबाइन करके ऐसे में लिख सकते हैं sec स्क्वायर y माइनस 1 इनटू sinum x, दोनों केस कंबाइन हो जाएंगे, और वैसे भी 0 वाला केस नहीं है तो sinum x नहीं लिखना है, तो वैसे और एक तरीका होगा mod x by x होगा कि नहीं, और sec y x है मतलब ये वाली चीज हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 1
इंटू मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होगा। ये चीज पूरी कहानी इस जगह टेन वाई की जगह पुट कर दो, ये एक तरह से टेन वाई ही है कि नहीं। सो जैसे ही ये करेंगे डीवाई बाय डी एक्स कितना आ जाएगा, वन बाय मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये दोनों केस एक साथ कवर हो जाएंगे, वन के बाद वाला भी माइनस वन के पहले वाला भी, एक ही डेफिनेशन में होगा कि नहीं। फंक्शन की ब्रांचेस हो तो हर ब्रांच की अलग डेरिवेटिव, हाँ अलग डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, कई बार फॉर्मूला कॉमन आ जाता है, हर बार कॉमन है जरूरी नहीं है, ठीक है। मैनी टाइम्स कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा जब सिमिलर या स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे, बट आगे जब कंबाइन करेंगे तो जरूरी नहीं है ऐसा हो। जीरो पे इशू होता ही नहीं ना बेटा, जीरो डोमेन में कहा है इसके, डायरेक्ट या तो वन के बाद देख रहा है माइनस वन के पहले, माइनस वन से वन की वैल्यू डोमेन में ही नहीं है, उसको बात ही क्यों करना, ठीक है। इसलिए मैंने मॉडल बाइक से काम चलाया, क्यों सिग्नल एक्स लिखना, सिग्नल एक्स का इशू आता है जीरो वाला इशू होता, इसमें जीरो का इशू ही नहीं है। अगला देखें, फिर आता है अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है कॉम्पोजिशन, तो हमारा डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, जिसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं, कहते हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स मान लेते हैं साइन एक्स, जी एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक तरह से एफ ऑफ जी एक्स ही है ना। इसलिए d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ऊपर वाली डेफिनेशन से जो बैठेगा वो ये है f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब यहां पे हमारे पास f डैश एक्स कॉस एक्स है और g डैश एक्स टू एक्स है, और तो g डैश एक्स टू एक्स पुट कर दो, और f डैश एक्स कॉस एक्स है बट यहां पे f डैश जी एक्स है, तो इसको जब यूज करेंगे तो जाएगा कॉस ऑफ जी एक्स होगा, क्योंकि एक्स की जगह जी एक्स रिप्लेस्ड है, और जी एक्स हमारा कितना था एक्स स्क्वायर पुट कर दो, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, वही जो चेन रूल रखते हो तुम लोग, बट कई बार ध्यान रखना जैसे हम लोग क्या है एफ डैश एक्स को लिख लेते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते हैं कि नहीं, लेकिन इसी तरह अगर एफ डैश जी एक्स लिखोगे तो बताओगे इसका मतलब क्या होगा, कोई भी माइक ओपन करके बोलो। और ऊपर f ऑफ जी एक्स ऐसा जाता है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये एक तरह से d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ जी एक्स है, और मैं तुमसे कल इतना पार्ट पूछ रहा हूं तो ये डिवाइड होगा ना, और dx dx कट जाएगा क्योंकि g डैश x में भी dg बाय dx होता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में था, ये डिफरेंशिएशन gx के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये मतलब ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, लोग इसको ये लिख बैठते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, जो कि ये नहीं होता है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होता है, तो बहुत ही मतलब पता होता है पर उस समय ये क्या पैटर्न लिखने में कॉमन मिस्टेक हो जाती है, तो बड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा क्या हम कर क्या रहे हैं, जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना इस पार्ट को। यहां तक सब क्लियर है, आगे बढ़ू, तो चेन रूल का एक बार प्रूफ भी लिख लें जब इतना सब लिखा ही है, तो वाई अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो देख डी वाई बाई डी एक्स लिखने का एक तरीका और होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो,
यस, और चेंज इन वाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी एक्स अपॉन एच, और लिमिट एच टेन इंटू जीरो डेल्टा एक्स को एच ले लिया। अलग 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 फॉर्मेट में देखा मिल जाए तो परेशान मत होना, ये कुछ फॉर्मेट ऐसे जो फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं, कुछ ऐसे मैथ्स में यूज करते हैं, और मैथ्स में जो होता है मिक्स मैथ्स करके दोनों पूछ लेते हैं। अलग अलग पार्टेंस को एक साथ देखने थोड़ी सी हैबिट डालो ताकि बेमतलब के लैंग्वेज में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आगे बताओ आप क्या करें, ये तो लिख दिया, चेन रूल का प्रूफ थोड़ी किया था लास्ट ईयर, ऊपर वाले रिजल्ट से रिप्लेस कैसे, ऊपर वाले तो डायरेक्ट लिख दिया था, वेरिएशन पर लिखा है मैंने। इसको ऐसे कर सकते हो, हाँ ये हुई ना बात, ठीक है, जी ऑफ एच को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, फिर g of x plus h minus gx divided by वही पुराना h, और अगर दोनों individually finite आ रहे हैं क्योंकि हमने functions सारे differentiable माने हैं तो limit separately लगा सकते हैं। ऐसे functions ही मान रहे हैं जिनका differentiation या derivable expression लिख सकते हैं, तो ये कहानी तो by default हो गई g dash x। अब एक काम करो, इस difference को इसको इधर देखना, ये वाला जो part है, ये जो part है ना, लेट्स कंसिडर दिस t, और जी एक्स वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं कुछ a, तो दिस इज a एंड दिस पार्ट इज a प्लस t, तो पक्की बात है कि t भी जीरो ही जा रहा है क्योंकि t जो है वो g ऑफ x प्लस h माइनस जी एक्स है, और जब h टेंडिंग टू जीरो लगाऊंगा और फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये जीरो ही आएगा, तो t की लिमिटिंग वैल्यू जीरो ही है, ठीक है ना। तो लिमिट अभी हटा के लिखता हूँ, टी लिख देता हूँ, ये बोल देता हूँ कि ये टेंडिंग टू जीरो है, तो ये जो पार्ट आएगा ये एफ डैश टी आ जाएगा कि नहीं, बाय डेफिनेशन एफ डैश टी इनटू जी डैश एक्स, और टी की जगह जो माना है वो पुट कर दो, सॉरी एफ डैश ए आएगा, टी बोल रहा हूँ, एफ डैश ए आएगा, हाँ ठीक है, तो अब ए की जगह जो माना है वो पुट कर दो, ये हो जाएगा एफ डैश जी एक्स और जी डैश एक्स, डन हो गया ये प्रूफ के साथ। प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाते हुए चलते हैं हम लोग, है ना। अब आगे देखो, इसी वजह से देयरफॉर अगर मेरे पास fx का डिफरेंशिएशन f'x है तो कोई भी अगर लीनियर चेंज है x की जगह f ऑफ ax + b, उसका डिफरेंशिएशन a टाइम्स f'ax + b होगा चेन रूल की वजह से। क्या डाउट पूछा, रुक जाते सर, बेसिक डेफिनेशन कैसी लिखी थी डेल्टा के फॉर्म में, अरे चेंज इन एक्स को तो एच माना है, एक्स में जो चेंज हो रहा है उसको माना है एच, तो डेल्टा वाई क्या होगा, पुराने एक्स पे एच, पुराने एक्स पे जो वाई की वैल्यू आ रही थी और नए एक्स पे जो वाई की वैल्यू आ रही है, ये है वाई की वैल्यू एट एक्स प्लस एच और ये है वाई की वैल्यू एट एक्स, ठीक है, तो ये तो लिखा है, बेसिक डेफिनेशन ये तो होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, फिर दो तीन रूल हैं, अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है और उनका डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो जो एफ डैश एक्स प्लस या माइनस ऑफ जी डैश एक्स ही आता है, इनका प्रूफ इतना टिपिकल नहीं है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सेकंड वाला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, ये मानते हो जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकाल रहे वहां पर जीरो नहीं हो रहा जी एक्स, क्या आता है जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, हाँ याद है पक्का, थर्ड डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये हमने क्लास में डिराइव कर लिया था ना,
एक एग्जांपल में डिराइव किया था हमने टेस्ट से पहले। और इसी से ये डिराइव हुआ है, कैसे, जहां जहां जी एक्स है उसको 1/gx से रिप्लेस कर दो और ऊपर वाला चेन रूल अप्लाई करते जाओ, सही आ जाएगा। देखो कैसे, एफ एक्स इंटू 1/gx है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले काम करो, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करो, 1/gx को परेशान मत करो, माइनस नहीं प्लस। एक बार एफ एक्स को लिख दो, 1/gx का डिफरेंशिएशन वो आएगा माइनस 1/gx का स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स, और इसी का एलसीएम लेके ये बनता है, बनता है कि नहीं। फोर्थ, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स के पावर में जी एक्स, एनीवन, इसका भी एक बार बताया था मैंने, हाँ लॉग लेके कर सकते हो, बट और एक तरीका बताया था ना, एक बार ए, हाँ एक बार ए पावर एक्स की तरह ट्रीट करो, एक बार एक्स पावर एन की तरह ट्रीट करो। तो जब इसको ए पावर एक्स की तरह ट्रीट करोगे तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आता है ए पावर एक्स और ln a आता है, लेकिन a पावर x की तरह ट्रीट किया है बट x है नहीं, तो चेन रूल के कारण एक g dash x भी आएगा, प्लस एक बार इसको x पावर n की तरह ट्रीट करो तो x पावर n के लिए आता है n इंटू x पावर n माइनस 1, बट एक साथ में f dash x भी आएगा। ये होता है खतरनाक सा दिखने वाला डिफरेंशिएशन, वैसे इसको याद ना रखा जाए तो भी चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक y को मानेंगे एफ एक्स पावर जी एक्स, फिर लेंगे दोनों साइड खुशी खुशी लॉग, इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, तो 1/y डी वाई बाय डी एक्स, यहां पे आएगा जी डैश एक्स एल एन एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू 1/fx और एफ डैश एक्स। फोर्थ में एल एन कहां से आया, आया ना, ये तो दिखते रहे, अब कर रहा हूं ना नीचे प्रूफ, लॉग एक्सपोनेंट से लॉग ले लो तो लॉग वाला टर्म बन जाएगा ना, आ तो गया लॉग। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो वाई मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आ जाएगा एफ एक्स का वाई की वाई को पुट ये कर देना, एफ एक्स का पावर जी एक्स जी डैश एक्स और एल एन एफ एक्स, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एक्स, फिर एफ एक्स का पावर जी एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब इसको ऊपर डिवाइड करोगे तो पावर माइनस वन हो जाएगी, इसकी तरह हो जाएगी ना, तो इस तरह से डिराइव होता है। बट ऊपर वाला रटने का तरीका भी अच्छा है, बस कई गलती ना कर दो, टर्म ज्यादा लिखने ना, कि एक बार ए पावर एक्स की तरह ट्रीट करो एक बार एक्स पावर, तो इसी वजह से जब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बड़ा आराम से कर सकते हैं। देखो पहले इसको ए पावर एक्स की तरह ट्रीट करो, तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स और एल एन ए, और साथ में एक्स का डिफरेंशिएशन वन ही आएगा, इस बार तो दोनों एफ एक्स जी एक्स वन है। और एक बार एक्स पावर एन की तरह ट्रीट करो तो एन एक्स का पावर एन माइनस वन और फिर से एक्स का डिफरेंशिएशन वन, अभी एक्स है तो पावर एड हो जाएगी, एक्स पावर एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स पावर एक्स, और इसी को हम लोग लिखते हैं एक्स पावर एक्स वन प्लस एल एन एक्स, जिसको मैंने बोला था याद रखना, ठीक है, क्योंकि उल्टे इंटीग्रेशन में जब आएगा ना तो ध्यान ही नहीं आएगा, वो डिफरेंशिएशन में याद नहीं करेंगे, तो कुछ चीजें तो इसलिए याद की जा रही है क्योंकि इंटीग्रेशन में यूज करना है इनको डायरेक्टली। आगे बढ़ा जाए, एक और हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स पहले चैप्टर में, हाँ वही वाला, इम्प्लिसिट वाला तो है ही, पर डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स पढ़ा था ना पहले। अगर एफ और जी बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं और एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स x आएगा डिफरेंशियबल रहते हुए पूरे डोमेन में, और g ऑफ एफ एक्स भी x आएगा, और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि अगर f ऑफ a b आ रहा है तो y से वर्सा g ऑफ b a आएगा। अब किसी भी एक को डिफरेंशिएट कर लो चेन रूल लगा के,
एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आ जाएगा वन, अगर फंक्शन डिफरेंशियबल मानते हुए सॉल्व करने का कुछ। अब x को b पुट कर दो, एफ डैश जी ऑफ बी इंटू जी डैश ए वन, जी ऑफ बी ए है तो यहां से आ जाएगा एफ डैश सॉरी जी ऑफ बी। अब जी ऑफ बी ए है तो ये रिजल्ट आ जाएगा एफ डैश ए इंटू जी डैश बी वन होगा। इसको हम लोगों ने ग्राफ बना के भी समझा था कि एक अगर टेन थीटा आ रहा है स्लोप तो एक 90 माइनस थीटा से कॉट थीटा आएगा स्लोप पहले चैप्टर में। इसलिए मैंने बोला था कि बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिनका विजुअलाइजेशन जहां करना है वहीं करते हुए चले जाए तो आगे बढ़ जाती है चीजें। डन, कोई बात नहीं, इसमें नोट करने लायक ऐसा कुछ था भी नहीं, मैक्सिमम चीज ऐसी बता रहा हूं जो पहले बता चुका हूं अभी तो नहीं। अरे इनवर्स फाइंड आउट कर भी सकते हैं तब भी तो ये मेथड काम कर जाएगा, कई बार इनवर्स निकालने में टाइम लग रहा है उतने में तो वैल्यू निकाल लो, हो सकता है इनवर्स ना निकले मान लो इम्प्लिसिट फॉर्म हूं, पर अगर निकल जाए तो भी क्या। आगे बढ़ा जाए ना, ये तो हो गया चटक ही गया था, पता नहीं क्या हुआ। हाँ भेज दूंगा ये पीडीएफ, लास्ट में भेज दूंगा कुछ थोड़ी इसमें। अच्छा देखो कुछ चीजें है ना, मतलब वैसे तो कुछ खास है नहीं, पर तब भी इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ कोई फंक्शन के लॉग है तो ये डायरेक्टली मतलब लिखने का तरीका याद रखो, पहले चेन रूल से आता है बट मतलब टिप पे रखो ये नोट के फॉर्म में लिख लो, बोले डी बाई डी एक्स ऑफ एनी रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन माइनस एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का स्क्वायर। और ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेट करना होगा तो ये फॉर्म बनाने पड़ेंगे, तब जाके रिवर्स में इंटीग्रेट करके लिख पाओगे, तभी अगले दो तीन चैप्टर में आते आते ना इनकी जरूरत पड़ जाएगी थोड़ा, जैसे फंक्शन में कुछ चीजें बोला था ना याद रखो तो अब काम आएंगे, तो ऐसे ही है पूरा का पूरा पैटर्न, रिपीट जरूर कराऊंगा मैं लेकिन याद रहेगा ना तो सॉल्व जल्दी कर लोगे उस समय, एकदम से नया नहीं लगेगा सब कुछ। अब e टू दी पावर एफ एक्स है कोई, इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हो e पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है ना। बाकी देखो और भी पॉसिबिलिटीज हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस का मिक्स करके, मैं एक और लिख देता हूँ जैसे मान लो साइन इनवर्स एफ एक्स, ये जब भी इतना याद नहीं रखोगे तो भी चल जाता है, तो इसको लिख सकते हो एफ डैश एक्स और नीचे वन माइनस एफ एक्स के स्क्वायर का रूट, ठीक है ना, क्योंकि पहले साइन इनवर्स की डेफिनेशन लगाई तो वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाला और साथ में जो एक्स की जगह एफ एक्स है उसका फेस कैम से दिख नहीं, अच्छा सॉरी हल्के हल्के कुछ प्रॉब्लम हो गया मुझसे वो अटक गया था जैसे, अब देखो अब ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, वो बीच में OBS में ही बग हो रहा है कुछ अपडेट होने के बाद, पता नहीं क्या चक्कर है, देखता हूँ बाद में। अब देखो एक चीज और, अब एक एग्जांपल देखो जरा, ये एग्जांपल ये एक नोट और लिखो, ये भी काम का है। f of x है, f of y है और x माइनस वाई है
लिमिट एक्स भी टेंडिंग टू है, वाई भी टेंडिंग टू है, एक्स और वाई बराबर नहीं है, ठीक है ना। पर इस बार एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल है, पर दोनों किसी नंबर की तरफ टेंड करते हुए वेरिएबल है। इसमें क्या मिलेगा? एनीवन? चलो मैं लिख देता हूं कि ए कांस्टेंट है तो ये ए वाला डिफरेंशिएशन ही मिलेगा। नोट को फिर से एक्सप्लेन कर दूं, कौन सा वाला? ये वाला। अरे यार चेन रूल सीखा था ना, कहां रह गया ये? बीच में भटक गया क्या? ये लिखा था एफ ऑफ जी एक्स, ये ऐसा ही नहीं है। मतलब जी एक्स की जगह एफ एक्स है और एफ एक्स की जगह लॉग है, तो लॉग ऑफ जी एक्स अगर होता और लॉग एक्स को अगर एफ एक्स मानता तो यही नहीं आता। चेन रूल से ही लिखा है सब। देख और इसको समझने का तरीका होता है, अगर यहाँ एफ एक्स की जगह एक्स होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता? 1/x। बस x की जगह fx है तो fx लिख दो, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि x नहीं है fx है तो fx का डिफरेंशिएशन जरूर आएगा। ऐसे ही e पावर x होता तो e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही आता, तो e पावर fx का e पावर fx, लेकिन साथ ही साथ fx का डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ x यहाँ 1/x होता तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² ही आता, बट यहाँ x नहीं fx है तो एक fx का डिफरेंशिएशन। तो शॉर्टकट तो यही होता है जो फिजिक्स में सीखा था लिखने के लिए, ठीक है ना। साइन पे कमेंट कर देंगे बेटा, अगर देख एक्स पहले आए तो यहाँ नीचे भी पहले ही है, वाई पहले आए बाद में तो वाई भी बाद में है, तो ये प्लस वाला ही होगा। अगर इसमें आगे पीछे होता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मतलब कल प्रूफ कैसे, तुम लोगों से आइडिया चाह रहा हूं उसके लिए। देखो एक्स को लेते हैं ए प्लस बी, वाई को लेते हैं ए प्लस क्यू, जिसमें P टेंडिंग टू जीरो और Q टेंडिंग टू जीरो, P और Q बराबर नहीं है, ठीक। F ऑफ A प्लस P माइनस F ऑफ A प्लस Q, और नीचे की कहानी P माइनस Q, और लिमिट P टेंडिंग टू जीरो, Q टेंडिंग टू जीरो, P नॉट बराबर Q, ठीक है, कोई इशू? ठीक है। F ऑफ A प्लस P माइनस F ऑफ A और एफ ऑफ ए प्लस क्यू माइनस एफ ऑफ ए अलग अलग कर दो, अब क्या कर तो दिया, बट इसमें नीचे डिवाइड करने के लिए एक में पी चाहिए एक में क्यू चाहिए, नीचे तो पी माइनस क्यू है, तो अगर यहां पी डिवाइड करके पी ऊपर ले लू, यहां क्यू डिवाइड करके क्यू ऊपर ले लू, नीचे क्या बचा? पी माइनस क्यू और लिमिट P टेंडिंग टू जीरो, Q टेंडिंग टू जीरो और P बराबर Q नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो मैं ये मान रहा हूं कि F डैश A कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, हाँ F डैश A कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, तो ये वाली जो चीज है P टेंडिंग टू जीरो पे F डैश A टेंड करेगी और ये वैल्यू भी F डैश A टेंड करेगी, कुछ बैठा गया? इसमें कंसेप्चुअल इशू है, कोई बताएगा? हाँ पूरा पहला चैप्टर लिमिट का कभी ऐसा किया नहीं, और मैं रीजन बताया था अलग अलग एग्जांपल में जो गलती होती थी, दोनों के बाद इशू है। देख अगर मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिमिट पी पे ना लगा के एफ वाले पे लिमिट लगा के, ठीक इसमें भी तो पी का टर्म है और ये मल्टीप्लाई होकर जीरो ही टेंड कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई होकर जीरो टेंड कर रहा है, हम दो जीरो वैल्यू टेन वैल्यू में कुछ कॉमन लेके इशू कर रहे हैं, तो एफ डैश ए टेंड तो कर रहा है, बट ये एफ डैश ए जब टेंड कर रहा है तो साथ में पी के ये पी के फॉर्म में टेंड कर रहा है, ये एफ डैश ए क्यू के टर्म्स में टेंड कर रहा है, तो बता ना पी और क्यू का कोई और भी टर्म आ जाए जो नीचे वाले से कैंसिल हो रहा हो, जस्टिफाई तो नहीं कर पा रहे अभी एक्जैक्टली, ये तो फंस गए तरीके से, ये देखने में सही लगता है, कई जगह लिखा भी हुआ है कि पढ़िए मेथड गलत है, कंसेप्चुअली रॉन्ग है, वाली आंसर आ रहा है उससे, ये हर बार आंसर आए वो मेथड सही हो जरूरी नहीं है, आंसर जरूर सही है बट मेथड सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं बताओ? अरे बेटा भूल गए क्या? देखो
हमने एक तरह से पी वाली लिमिट इसमें लगा दी बिना इस पी में लिमिट लगाए, कभी भी इंडिविजुअली लिमिट लगाते देखा तुमने? और फिर ये माइनस माइनस है, हाँ तो वाला इशू हो गया ना, क्योंकि वो जो ये इसको टेंड कर रहा है, ये एफ डैश ए के बराबर थोड़ी है, मतलब एफ डैश ए में कोई डेल्टा पी टाइप का फंक्शन है जो कि जीरो टेंड करता है, और ये भी एफ डैश ए में डेल्टा क्यू टाइप का फंक्शन है, अगर डेल्टा पी और डेल्टा क्यू भी पी माइनस क्यू के साथ लिमिट दे दे तो, लेकिन नीचे डिवाइड भी तो जीरो हो रहा है, तो ये डेल्टा पी को एक्जैक्टली जीरो मान लेते हैं तो गलत हो गया ना, एकदम बहुत ही कंसेप्चुअल एरर जो वैसे दिखाई नहीं देता, लेकिन सवाल बोलते वक्त अगर कर बैठे तो कर बैठे बस इसको। और कोई थॉट दिव्यांशु? फिर माइक ऑन कर बेटा, ऐसे तो कैसे बताऊंगा। हाँ बोलो, अब बता ठीक है। बेटा पी टेंडिंग है, ए फिक्स है, क्या कर रहा है, डेफिनेशन ही गलत कर रहा है क्या? मतलब ये एफ डैश ही तो टेंड करेगा और क्या टेंड करेगा? लेकिन एक्चुअल में अभी तो मैं इसको आधी लिमिट पुट करने से गलती कहां होती है, देख मान ले कि ये जो वैल्यू है ये एफ डैश ए टेंड कर रही है, मतलब एफ डैश ए प्लस कुछ पी का पार्ट है जो कि जीरो टेंड कर रहा है, और यहाँ पे भी एफ डैश ए और कोई डेल्टा क्यू का पार्ट है जो जीरो टेंड कर रहा है, तो मैं ये मान के मैं फिर बोल रहा हूँ कि P इंटू एफ डैश ए और Q इंटू एफ डैश ए डिफरेंस लेके एफ डैश ए दे देगा यहाँ पे, दे देगा ना, पर ये जो डेल्टा P और डेल्टा Q बच रहा है तो P इंटू डेल्टा P और Q इंटू डेल्टा Q P माइनस Q से जीरो ही देगा, वो कैसे जस्टिफाई करेगा? yes, तो वो हमने एक्जैक्टली जीरो मान लिया कि P इंटू डेल्टा P और Q इंटू डेल्टा Q अपन P माइनस Q जीरो ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा x माइनस वाई को h माने तो भी h जीरो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ y प्लस h माइनस f ऑफ y डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना, और x को ये माना है मैंने क्योंकि x तो एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना, तो और x टेंडिंग टू a है तो बताओ यहाँ पे y टेंडिंग टू क्या रखूंगा मैं, सबसे पहले y टेंडिंग टू x रख दूं कोई प्रॉब्लम, और जब वो आ जाए तो y टेंडिंग टू a, मतलब उसको डबल लिमिट में कन्वर्ट कर दो सिंगल लिमिट से, सॉरी मान लो मैं एक्चुअली देखो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली वाला पार्ट तो लिखना ही है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, अब सही है, बेटा दोनों को ए टेंड करा के इशू हो जाएगा ना, पुट करना, दोनों ए की तरफ टेंड कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस जीरो टेंड कर रहा होगा, ये लॉजिक तो सही है, अगर दो नंबर सेम नंबर की तरफ टेंड कर रहे हैं तो इनका डिफरेंस जीरो टेंड कर रहा है, ये तो सही है ना, अगर दो ही दोनों ही नंबर टू की तरफ टेंड करेगा तो उनका डिफरेंस जीरो टेंड करेगा, तो मैंने ये वाई प्लस एच वाई लगा के एच लगा के एच टेंडिंग टू जीरो, ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। अच्छा वाई टेंडिंग टू एक्स नहीं लगाता मैं, अब तो सही है वाई टेंडिंग टू ए लगा दिया बाद में, अब तो कोई गलती नहीं है, अब तो सॉर्टेड हो गया सब, लाइक पहले ही अंदर वाली लिमिट लगाते हैं, तो ये बाय डेफिनेशन होती है एफ डैश वाई और लिमिट वाई टेंडिंग टू ए, ठीक, तो ये मानते हुए कि एफ डैश इज कंटिन्यूस एट ए, मैं इसको एफ डैश ए लिख सकता हूँ कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन से, तो अब ध्यान रखना ये डायरेक्टली मैं इसको कब लिख सकता हूं, जब एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मैंने बोला था अगर ये कंडीशन हो तो ऊपर वाली ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन हो तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होती, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा एक्स इंटू साइन वन बाय एक्स वाला, तो बाय डिफॉल्ट लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, पर मेरे हिसाब से ना ये मेंशन करके रखना चाहिए मैक्सिमम जगह, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इससे काम चला लेते हैं कि फंक्शन ऐसा लिया ही नहीं इसमें ये इशू आ रहा है, क्योंकि अगर ऑप्शन में ऐसा ही नहीं तो सॉर्टेड है वो चीज़ ऑलरेडी, मैं तो फंक्शन मानते हुए चलते हैं कि सेकंड डिफरेंशियल थर्ड डिफरेंशियल सब कुछ है, डिफरेंशिएशन तो हो ही रहा है उसका, तब आगे का सवाल करो, तब ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, देखो
एफ ऑफ एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कितना होगा अगर एफ डैश जीरो थ्री है तो. चलो करो. और देखो जब कुछ मेंशन नहीं है ना तो मान के चल रहे कि फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशियबल सब कुछ है. थ्री आर है लो देख. तो अभी क्योंकि ये वैल्यू जीरो टेंड कर रही है और ये वैल्यू भी जीरो टेंड कर रही है तो एफ ऑफ एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ वन माइनस कॉस एक्स को अगर इसी से डिवाइड कर दो एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस ऑफ वन माइनस कॉस एक्स और जितने से डिवाइड किया है उतने से ही क्या कर दू मल्टीप्लाई एल एन वन प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर अलग ले लू तो बाय डेफिनेशन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा एफ डैश जीरो अभी अभी जो पढ़ा ऊपर एक्स और वाई वाला फंडा है ना इनटू ये वाली लिमिट निकालनी होगी. अच्छा एल एन वन प्लस एक्स की सीरीज क्या आती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा ये वाला पार्ट और जो माइनस वन प्लस कॉस एक्स है तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एक्स पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी होगा. अच्छा वो माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर बाय माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आया एफ डैश जीरो थ्री दे रखा है और यहाँ पे ये दोनों मिलके माइनस एक्स स्क्वायर बना रहे हैं बाकी सब तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे. इतने पार्ट की लिमिट क्या आएगी माइनस वन मल्टीप्लाई करके तो आंसर क्या आएगा माइनस थ्री ना कि प्लस थ्री. बात समझ में आई वो बच गई लिमिट उसको तो निकालना पड़ेगा ना उसको थोड़ी छोड़ दोगे तो डिफरेंशिएशन लिमिट को इस तरह से मिक्स करके सवाल जरूर बन सकते हैं. डन. बात समझ में आई ना. ऐसी एक और काम का फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन याद रखेंगे एल एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. ये फंक्शन होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाय टू का इनवर्स ठीक है जो कि होता था क्या साइन एच एक्स ये होता है साइन एच इनवर्स एक्स ठीक. ये बात जाननी जरूरी है हमें इसका डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है. इसका डिफरेंशिएशन आता है देख पहले तो लॉग है अंदर तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या बैठेगा एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन तो अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन वन फिर ये रूट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन तो अगर ये रूट एक्स होता तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय टू रूट एक्स और यहाँ टू रूट एक्स की जगह आएगा टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले पार्ट का फिर से डिफरेंशिएशन टू एक्स चेन रूल लगा दिया. इस वाले डिफरेंशिएशन में किसी को भी डाउट ये चेन रूल नहीं समझ में आ रहा है कैसे भी क्योंकि मैं मान के चल रहा कि थोड़ा बहुत आता है और नहीं आता तो पूछ लो डाउट है तो फटाफट पूछ लो अभी बता दूंगा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं करवाने का. तो इसका डी वाई डी एक्स किया तो ये आ गया इधर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां टू से टू गया एलसीएम ले लो देखो ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया आया ठीक है ना. इस पे जैन मेंस ने ठीक ठाक सवाल पूछे हैं डन ठीक है ना. आगे बढ़े देखो एक एग्जांपल लेते हैं. एक फंक्शन है y वन प्लस
या एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 15 और एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 15। ठीक, डीवाई बाई डीएक्स करना जरा, क्या मिलेगा? 15 एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर 14। एड ओके, नहीं बेटा ये नीचे वाला टर्म पूरा कट रहा है ना ऊपर वाले से, क्या सोच रहे हैं? कहां ऐड हो रहा है? ये तो अंदर वाला पार्ट तो लिख दिया ना पूरा, कौन सा ऐड होता दिख रहा था बताना जरा, फिर वो टक गया कहीं पे। तू तो कट गया ना, ये तो अलग पार्ट है ना, फिर उसको एलसीएम लेके ऐड किया है, यही वाला पार्ट ही तो लिख रहा हूं ये पूरा, इस पार्ट को ही तो ये लिख रहा हूं। देख एक बार, इसमें डाउट आ रहा है ना तुझे? जब एलसीएम लेगा तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, इसमें ये एक्स ऐड हो जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो तब सही तो है, कहां गलती हो रही है इसमें? डबल ए आ रहा है मतलब कौन सा? मतलब पहले तो ऐड हो रहा है, तो मतलब ऐड होके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिनोमिनेटर कैसे कटेगा? पहले ऐड होगा ना, ग्रीन वाले स्टेप में। कैसी बातें कर रहे हो, इतने पार्ट का देख रहा है, इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन ये रहा और एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा। बॉडमास रूल कौन सा होता है? पहले मल्टीप्लाई करता है, पहले ऐड करता है? मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई ही करोगे ना, ऐड कब से करने लगे पहले? चलो इसका डिफरेंशिएशन बताओ, यहां क्या मिलेगा? अभी अभी यूज किया था इसको, वन प्लस पहले आएगा वही 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में 2x, जिसमें 2 से 2 कट गया, ठीक है, और अगला पार्ट 15 x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 14 इंटू 1 माइनस, इसमें भी ऐसे ही 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x, ठीक है, dy बाय dx 15 x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 14, ये भी एलसीएम लेके वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा और नीचे एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, फिर 15 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 14 आएगा यहाँ पे, लेकिन उल्टा आएगा इस बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। आएगा ना, देखो। सो 15 ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 15, पर यहां पे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर एक माइनस लेना पड़ेगा, x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 15 और जो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको इधर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब वापस से डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का सेकंड डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा फिर से नीचे 1 बाय 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dy बाय dx, ये पूरे का डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या होगा, वही ऊपर वाली चीज होगी, वापस से डिफरेंशिएट होके, बस प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे इस बार, मतलब ये पार्ट तो वैसे का वैसे ही रख देता हूं और ये पार्ट इधर रखता हूं, बस इसमें चेंज क्या आएगा, यहां पहले से बाहर माइनस है एक, तो ये चेंज आएगा ताकि अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की जगह वापस से प्लस आ जाएगा ना, तो ये वाले पार्ट, अच्छा पहले भी 15 था तो एक बार एक एक्स्ट्रा 15 और आएगा, मतलब पहले से 15 कॉमन है ना इसमें, तो एक एक्स्ट्रा इसमें 15 और रहेगा, बस ये डिफरेंस हो रहा है क्योंकि एक 15 आप डिफरेंशिएशन क्या रहे हैं, एक 15 पहले भी, ठीक है, तो बाहर हो जाएगा 225 और अंदर हो जाएगा एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहला वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 15 ये वाला वापस से, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट पावर 15 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा यही, वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में 2 कट गया और बचेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचा और यहाँ बचेगा 225 और जो ये आ रहा है वापस ये तो वाई ही है आ रहा है ना। प्रॉब्लम ये थी कि मेंस ने ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा था और वाई को 1 2 3 पुट करके भी नहीं कर सकते, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा।
सवाल में ऐसा कुछ खास है नहीं, बट प्रॉब्लम ये है, और इस तरह के साल दो तीन बार पूछ चुका है, एक बार नहीं पूछा है। कैलकुलेशन में ही फंस जाएंगे हम, मतलब डिफरेंशिएशन का एक सवाल आया वो वही नहीं एग्जाम में, जिस चैप्टर को इतना हल्के में ले जा रहे हैं लोग। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हाँ बोल बोल। सर इस चैप्टर में 1 प्लस x स्क्वायर का रूट इनटू 11 लिख। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें भी नॉर्मली प्रोडक्ट मतलब है। हां हां, अरे डी और डी भी तो फंक्शन ऑफ एक्स ही है ना, इसको कोई जीएक्स मान लेगा ऐसा लग रहा है, तो जीडी का करूंगा। अब सेकंड डेरिवेटिव से छोटी सी चीज आ गई, वो लिखते हैं। हमें पता है dy/dx 1/dx/dy होता है, ये तो सबसे बढ़िया। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पे डेफिनेशन थोड़ी अलग डायरेक्शन में, d2y/dx2 एक तरह से d/dx ऑफ dy/dx होता है, जबकि d2x/dy2 करें तो d/dy ऑफ dx/dy होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, और हायर डेरिवेटिव भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। और ये सवाल मेंस ने नहीं, एक बार एडवांस में पूछा था, लोग गलत कराए थे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव रिलेट नहीं हुआ लोगों से। फर्स्ट डेरिवेटिव पता रहता है, सेकंड डेरिवेटिव रिलेट नहीं करते हैं लोग, और करते भी हैं तो उसको तरह सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इस तरह के सवालों की वैल्यू ज्यादा होती नहीं है, कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं ऐसा लगता है ये तो कर ही लेंगे। चलो तो एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि ये आपस में रिलेट कैसे होते हैं। ठीक है ना, चलो तो एक काम करते हैं, dy/dx को फिलहाल कोई t मान लेते हैं, जहां पे t कोई फंक्शन ऑफ x है, और इसको यहां पुट कर देते हैं, तो रेसिप्रोकल करके पुट होगा, तो d2x/dy2 क्या होगा, d/dy ऑफ 1/t। कोई प्रॉब्लम? अब इसमें चेन रूल लगा दो, d2x/dy2 ये होगा -1/t2, और साथ में dt/dy, क्योंकि हमें t का डिफरेंशिएशन लेना ही पड़ेगा, जो भी t का फंक्शन बन रहा होगा उसका, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। फिर d2x/dy2 -1/t2, इसको ऐसे लिख दो dt या dx/dy इंटू dt/dx। एनी इश्यूज? dx/dx एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, होगा ना? अच्छा t था कितना, t हमने dy/dx ही माना था ना, ये भी यहां पुट कर दो, तो ये पूरा मिलके हो जाएगा माइनस ऑफ dx/dy का होल क्यूब। एनी इश्यू? ये पूरा मिलके देखो ऊपर की पी की वैल्यू से, ये जो पुट किया है इनटू ये जो मिल रहा है वो d/dx ऑफ y, वापस से t कितना था, dy/dx ही था t वाली चीज, तो ये तरह से d2y/dx2 ही हो गया ना। अब जाके रिलेट हुआ, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज क्यूब ऑफ माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ dy/dx इंटू d2y/dx2। तो ये बहुत हल्का फुल्का नहीं आता है, जितना dy/dx अच्छा लगता है ना उतना ये सही सा नहीं लगता। और जेई ने ये पूछ के ऑप्शन डाल दिए थे, अब कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने y as a function of x, y को x cube मान के ऑप्शन चेक कर लिए। dy/dx होगा ना, कहाँ dy/dx होगा, कौन पूछ रहा है, कहाँ dy/dx होगा, उसका होल क्यूब नहीं, dx/dy होगा, dy/dx का होगा, t को dy/dx माना था, सही तो लिखा है, कहां गलती दिख रही है, बता जल्दी, माइक ऑन कर, इतना टाइम मत लगा। ठीक है, अरे कई जगह ऐसे लिखा हुआ है देख, इसी चीज को d2y/dx2 का माइनस डिवाइडेड बाय dy/dx का क्यूब, एक ही बात है, उससे परेशान मत हो, या माइनस 3 करके लिख दिया है। अब देखो तुम्हारे लिए एक दूसरा वक्त दे रहा हूं, वो ये है कि सेम चीज तुम d3y/dx3 और d3x/dy3 के फॉर्म में रिलेट यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई कर लेना, क्योंकि एक अब आ चुका है तो एक नेक्स्ट लेवल तो ऑब्वियसली तैयार करके जाए, भरोसे में ना पहुंचे कि यही आएगा, कि जब ये आया था लोग भी ऐसे पहुंच गए तो ये क्या ही आएगा।
ठीक है ना। एग्जाम्पल और लेते हैं, एफ एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ब्रेकअप याद है क्या चीजों का कैसे होता था? क्या होता था बताओ? हाँ वो तो ठीक है, पर तीन केस बनते तो तीन केस क्या क्या है? ये बनता था 2 tan इनवर्स x, x की वैल्यू माइनस 1 से 1 तक, फिर पाई माइनस 2 tan इनवर्स x 1 और 1 के बाद, और माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x और इसके लिए लोग ग्राफ यूज करते थे ये वाला पहले, जो कि x बनता है पाई माइनस x बनता है और ये बनता है ना। तो यहाँ तो x बनता था, ये वो बना रहा हूं मैं साइन इनवर्स साइन x वाला, ये बनता था पाई माइनस x, और इसके पहले क्या बनता था? तो यहां क्या बनेगा? माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, जब x माइनस 1 से छोटा है, बनेगा ना, क्योंकि ये माइनस पाई माइनस x बनता था, क्योंकि मुझे ऐसे ही याद रहता है, मैं इसको देख के याद रखता हूँ। एक स्टैंडर्ड याद रखो, बाकी ऊपर नीचे शिफ्ट करा लो जिस फंक्शन से रिलेट हो रहा है उससे। कॉस में थोड़ा अलग ध्यान रखना पड़ता है, साइन टेन तो बढ़िया चल जाता है इससे आगे और पीछे। अब एक बात बताओ, एफ डैश एक्स कितना है इस फंक्शन का? इसका डोमेन तो आ रहा है, पूरा डोमेन में एफ डैश एक्स का कब से कब तक ये और बताओ? ओपन क्लोज माइनस वन से वन ओपन लेंगे, माइनस वन और वन पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, ऐसे नहीं मिक्स कर दो। तो नीचे वाला वन के बाद वैलिड होगा, वन के बाद इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस वन से पहले माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। चेक कर लो पहले, चाहो तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, या दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं हो रही है तो मैंने बोला इन सब तो उसी से आइडिया लगा लेते हैं। क्योंकि अगर यहां पे दोनों का स्लोप की लिमिटिंग देखोगे, वन पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वन, और वन पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू है माइनस वन, तो ग्राफ वन स्लोप पे आएगा माइनस वन पे निकल जाएगा, इसलिए उसका ग्राफ बनता था कुछ ऐसा बनता था। वन पे इधर माइनस वन पे इधर, और इसका जो स्लोप है जीरो से वन में डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ का कर्वेचर डाउनवर्ड रहेगा ऐसा और ऐसा और ये और ये, ठीक है ना। ये गया 45 डिग्री स्लोप पे, और फिर माइनस 45 पे नीचे निकल गया ऐसे, और यहां भी माइनस 45 पे नीचे आया, मतलब यहाँ पे ये जो है ना 90 डिग्री का टर्न लेके निकलता है ग्राफ, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री स्लोप, 45 डिग्री स्लोप पे आया और माइनस 45 पे निकल गया, ठीक है ना। वो मुझे कुछ और भी चीज विजुअलाइज कराना था इसलिए बता रहा हूँ। कर्व पे चला 90 डिग्री टर्न लिया, फिर दूसरे कर्व पे चला। अरे ओपन होगा फंक्शन, ओपन थोड़ी है, डेरिवेटिव ओपन है, डिफरेंशिएबल थोड़ी है फंक्शन, यहाँ पे कहाँ सोच रहा है, एफ एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं। एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, पहले तो जीरो पे स्लोप है टू, ठीक है ना, और फिर वन पहुंचते पहुंचते स्लोप वन आएगा ऐसा, और ऐसा ही इधर, ये आ गया वन, ये आ गया टू, और फिर यहां जंप कर जाएगा माइनस वन,
ये आया और फिर इन्फिनिटी पे जीरो और फिर नीचे आया, फिर ओपन, फिर माइनस इन्फिनिटी पे जीरो। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, ये फंक्शन ऑड था कि नहीं, ये इवन है, भले डिस्कंटिन्यूअस वगैरह है बट है तो इवन ही, और जहां यहां गया वही यहां गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट माइनस वन और प्लस वन, ये भी किया था पहले, ऑड का डिफरेंशिएशन इवन, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड, बढ़िया बैठता है ये सब। ग्राफ देख के थोड़ी किया, वन पुट करके किया ना, अगर यहाँ पे एक्स को वन टेंड कराऊंगा तो ये वन जा रहा है, पुट तो कर, यही पुट कर ले हो जाएगा, इतना कहाँ सोच रहा है, एक्स को वन टेंड करा ये वन नहीं जा रहा, और इसमें एक्स को वन टेंड किया तो ये इसका माइनस है, माइनस वन जा रहा है, बिना ग्राफ इसको देख के ग्राफ बनाया, ग्राफ देख के थोड़ी ये बताया मैंने, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे आते वक्त 45 डिग्री पे था, जाते वक्त माइनस 45 पे है, वन साइडेड स्लोप अगर लूं तो, ये वन साइडेड डेरिवेटिव लूं तो, डिस्काउंट नहीं डिस्कनेक्ट हुआ होगा, क्या कर रहा है अलग ही मोड में चल रहा है ये। चलो अगला देखें, अगर कुछ क्रिटिकल यूजेस देखते हैं लॉगरिथमिक वाले पैटर्न के, इनपे अभी आएंगे वापस, इनवर्स वाले पे और बनाते हैं एग्जांपल, पर मैं एक कुछ कुछ वेरिएशन दिखाने दे। अच्छा इसमें छोटा सा क्वेश्चन, एक काम करो लिख लो ठीक रहेगा, एफ डैश एक्स दे रखा है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट प्लस माइनस 1, ठीक है ना, अच्छा एफ की डेफिनेशन भी लिख लेता हूं, एफ ऑल रियल्स माइनस माइनस वन टू वन से माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू इज एन ऑन टू फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स दिया इतना एंड लिमिट h tend into 0 f of 1 plus h upon 1 is an odd onto function, ye bhi lag gaya is an odd onto function aur ye value de rakhi hai minus 1, find f of 1 by root 3 plus f of 2 plus root 3 प्लस एफ ऑफ माइनस रूट थ्री। चलो बताओ, चलो देखते पाई बाय 8 और पाई बाय 6 एफ एक्स आया क्या, क्या आया नहीं, 2 tan इनवर्स x नहीं है, और 2 tan इनवर्स x से ऑप्शन जरूर मिलेगा इस सवाल का, हाँ 2 tan इनवर्स x से रेंज ही मैच नहीं होगी,
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार गेस वर्क नहीं करना है, तुम लोग ना गेस वर्क में लगे हो। देखो फंक्शन का डोमेन ना माइनस वन और वन नहीं है, मतलब ये डेफिनेशन टुकड़ों में लगेगी, ये बात समझनी पड़ेगी तुम लोगों को भी, है ना। देखो सर एफ डैश एक्स जो कि है टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक पार्ट ऑफ द डोमेन है माइनस वन से वन, एक पार्ट ऑफ द डोमेन है ये, सेकेंड पार्ट है वन के बाद और फर्स्ट पार्ट है माइनस वन से पहले। ये बात समझ में आ रही है कि जब टुकड़ों में ही है तो टुकड़ों में ही इंटीग्रेशन लगाएंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बताओ एफ एक्स क्या आएगा, बीच वाले पार्ट का आएगा टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, नीचे आएगा टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी वन और ये वाला टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी टू, माइनस वन से वन, वन के बाद और माइनस वन से पहले। अब क्योंकि फंक्शन कैसा है ऑड, तो ऑड है और डिफाइंड है जीरो पे, तो एफ ऑफ जीरो जीरो ही आएगा, एफ ऑफ जीरो जीरो मतलब इफ डोमेन की वजह से, तो सी तो जीरो मिल गया, एक पार्ट खत्म। ठीक चलो नेक्स्ट आते हैं वन पे, लिमिट के बारे में कुछ बोल रखा है ये वाली चीज। देखो इसका मतलब क्या है कि वन के जस्ट बाद जो वैल्यू है, वन पे जस्ट पहले जो वैल्यू उनका रेशियो माइनस वन है, अब f ऑफ 1 माइनस h तो ऊपर वाले से लेंगे जिसमें c 0 हो गया, नीचे जो पार्ट आएगा वो आएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस h, ऊपर आएगा 2 tan इनवर्स 1 प्लस एच प्लस सी वन, ये एच टेन इंटू जीरो प्लस और ये माइनस वन, ये बात समझ में आई? अब देखो 1 के जस्ट बाद अगर h को यहां जीरो पुट करूंगा तो 1 के जस्ट बाद ये जाएगा तो कितना, पाई बाय फोर ही, पाई बाय फोर इंटू टू होगा पाई बाय टू, ऊपर आएगा पाई बाय टू प्लस सी और नीचे भी वैल्यू निकालोगे तो पाई बाय टू ही आएगा और ये माइनस वन, सी चेक करो माइनस पाई आया, सी वन सॉरी सी वन चेक करो कितना आया माइनस पाई, और तुम लोग जीरो मान बैठे हो ना, ये आएगा माइनस पाई और ये चेक करना क्योंकि ऑड फंक्शन है तो या माइनस वन के बाद की डेफिनेशन बताया तो माइनस वन के पहले की भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, पहले एक्स को माइनस एक्स लो और फिर पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, याद आ रहा है फंक्शन में ट्रिक सीखी थी ऑड काउंटर पार्ट निकालने की, तो यहाँ पे सी टू की जगह पाई आ जाएगा, पहले एक्स का माइनस एक्स और फिर पूरे का माइनस। तो अब हमारा एफ एक्स आया पूरा निकालने के बाद, ये टू टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई, बीच में टू टेन इनवर्स एक्स और ये टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई, प्रॉब्लम समझ में आई तुमने कितनी बड़ा नंबर का रखी थी ये सॉल्यूशन लिख रहे थे, हो गया ना? सो एक्चुअली अब देखो ये वैसे याद नहीं होगा, वैसे ये पूरा मिला के टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो मैंने क्वेश्चन ये वाला फंक्शन सोच के बनाया था। ठीक है बीच वाली डेफिनेशन कैसे लिखी, अरे फंक्शन जीरो पे जीरो है ना, ऑड फंक्शन कहां सोच रहा है अभी भी, कोई भी ऑड फंक्शन अगर जीरो पे डिफाइंड है तो जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, जीरो पे ये जीरो आ रहा है मतलब सी भी जीरो है, तो क्या इसलिए तो लिख दिया यहां पर। देखो तो मैंने क्वेश्चन ये फंक्शन मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड फंक्शन सोच के बताया, पर उल्टा सोचते वक्त ध्यान नहीं आता जैसे इस एग्जांपल में दे दिया मैंने तुम्हें, और जरूरत भी नहीं है कि ये ध्यान है, अब तो वैल्यूज को पुट करो। तो देखो 2 प्लस रूट 3 वाली वैल्यू यहां से निकलेगी, 1 बाय रूट 3 यहां से, 1 बाय रूट 3 इसमें पुट करना, 2 प्लस रूट 3 इसमें पुट करना और कितना था माइनस रूट 3 ऊपर वाले में पुट करना, प्रॉब्लम समझ में आ रही है कितना चेंजेस आ गए। अब माइनस रूट 3 पुट करोगे तो माइनस 60 आएगा, माइनस 60 इंटू 2 माइनस 120 आएगा, प्लस 60 हो जाएगा, ये आंसर तो हो गया पाई बाय 3, 1 बाय रूट 3 पुट करोगे 1 बाय रूट 3 30, ये भी पाई बाय 3, दो तो पाई बाय 3 आ गए। ठीक है तीसरा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 टेन इनवर्स कहाँ पे होता है, एनीवन 5 पाई बाय 12, तो 5 पाई बाय 12 का डबल 5 पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 6। ठीक है इनका सम बताओगे क्या आ रहा है, पाई बाय टू। ठीक है ना, बढ़िया, गलत होने का स्कोप है,
सिंगल करेक्ट भी दे दिया तो भी बहुत अच्छा सवाल है। आगे देखें। हाँ बेटा बोल। अरे किसी ने हैंड रेस किया था क्या, गलती से हो गया। अच्छा नोट करना, कर लो। क्वेश्चन नोट किया। यार अभी तक तो नहीं आया, बट ये मैं बोला ना ये तो सवाल बनाया हुआ है मेरा, और सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है इसमें, और सिलेबस के अंदर होते हो बन नहीं रहा है ये तो। मेंस पता नहीं, मेंस इतना सोचे ना सोचे, एडवांस वाले तो सोच ही लेंगे कुछ ना कुछ इस टाइप का। अब इस बात की गारंटी तो कुछ भी नहीं है, क्या करें, इसलिए तो वेरिएशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल वैसे डिफिकल्ट नहीं था, कंसेप्चुअल पार्ट पे डिफिकल्टी थी C7 C2 वाला, इसका ध्यान रखना। इंटीग्रेशन वगैरह में पढ़ेंगे ना तब भी ध्यान रखेंगे इस चीज का, गलती मत करना इस चीज की। एक अच्छा चेन रूल पे और करते हैं सवाल, लीनियर सब्स्टिट्यूशन या रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन वाले, ये तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं मेंस, पहले तो मेंस में आ ही जाते थे ये सब डायरेक्ट। अभी का पता नहीं क्या पूछेंगे, अभी तो देखो ना कैसा पूछ रखा है, पावर 15 वाला चेन रूल का ही तो था वो। एडवांस ने चेन रूल तो और से ही पूछा था, इनवर्स के साथ बढ़िया मिक्स करके पूछा था। मैं लिखता हूँ, मेरे को देखते मुझे डाटा नहीं याद तो मैं रैंडम डाटा अपने अकॉर्डिंग बना के दे दूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम लोग टुकड़ों में करते थे, जेईई ने मिक्स बड़ा सही से किया था कि अचानक से देख के ना कंफ्यूजन हो कि पता नहीं क्या आ गया है, और डिफरेंशिएशन का सवाल एक्सपेक्ट नहीं करते होते ना जेईई से, इसलिए और ज्यादा इशू होता है। डन ये ना, मैंने फाइल भेज दी ग्रुप पे अभी तक का जितना हुआ है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत अगर नोट रह भी गया है कुछ डाउट आ रहा है तो उधर से देख लेना, अपडेट करते रहूंगा। वाई है हमारे पास एफ ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4, और जी एक्स है साइन ऑफ एक्स क्यूब, एफ एक्स है साइन ऑफ एक्स क्यूब जी एक्स, ठीक है ना, और dy/dx के बस एक्सप्रेशन बता दो। चलो कर इतना ही करो पहले, तो बाद में वैल्यू पुट करने वाला कुछ और बनाता हूँ, ये तो वैसे ऐसा एग्जांपल एकदम स्टैंडर्ड से पुट करो, थोड़ी सी क्या मेहनत करने हो इनमें, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मुझे कैलकुलेशन फास्ट करने में हेल्प करेंगे तो वो बताते जाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा उसको इंटीग्रेट कर दो अपनी सॉल्विंग में ना, तो ओवरऑल स्पीड फास्ट हो जाएगी। ये देखो फिर इतना कुछ प्रैक्टिकल यूज करके दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ कहाँ कर सकते हैं सवाल, जो ऐसे डिफरेंशिएशन में सवाल वैसे नहीं मिलते, तो पॉलिनोमियल में या ट्रिग्नोमेट्री में या इस तरह के चैप्टर में कहाँ कहाँ ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं। इनफैक्ट बाइनोमियल में नेगेटिव इंडेक्स में ट्रिक लगती है इसकी, जीपी है जीपी के सवाल को उल्टा देख सकते हो, तो उन ट्रिक्स पर वर्क करते क्योंकि वो जनरली मिलते नहीं है हमें। ये कल ही किसी ने एक सवाल पूछा था याद, ओमेगा वाला सवाल जिसमें एजीपी बन रहा था, किसने पूछा था यार, श्रेया तुमने पूछा था शायद, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो उन पर वर्क कर लेते हैं जरा।
चिल करते हैं जरा, फिर थोड़े से एक्सटेंडेड वर्जन सॉल्व करेंगे इन सब के। क्योंकि इसमें तो ये सोच ही नहीं ना फंक्शन कैसे डिफरेंशियबल है कि कंटेनर डिफरेंशियबल वगैरह, तो दे रखा डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। इसका नीचे वाले का रुक वाले को बताओ ना पहले, नीचे वाले को करो, पहले वाले सिंपल उसको नहीं कर रहे हो, पहले बताओ पहले। डीवाई बाई डीएक्स होगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे पहले करेंगे एफ डैश ऑफ टू एक्स प्लस थ्री अपॉन, मतलब अंदर वाले को जी एक्स मान लो, ऐसे सोचो कि जो अंदर वाला पार्ट है वो तुम्हारा जी एक्स है, तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री और थ्री एक्स प्लस फोर होगा ना। अब यहां से बताओ एफ डैश एक्स कितना है, चेन रूल से कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, ये डेफिनेशन बस यहाँ पुट कर दो और x की जगह ये x रिप्लेस कर दो, तो ये वाला जो रेड वाला पार्ट है ये हो जाएगा cos of 2x plus 3 by 3x plus 4 का क्यूब into 3 2x plus 3 और 3x plus 4 होगा। पहले मैं तो प्रोडक्ट वाली लगा लेता हूँ, देखो ऊपर 2 नीचे 3x plus 4 माइनस अगली बार ऊपर 2x plus 3 नीचे 3x plus 4 का स्क्वायर और into 3 अच्छा ना स्क्वायर है ठीक है, हम लोग थ्री एक्स प्लस फोर का स्क्वायर तो 6x प्लस 8 माइनस 6x माइनस 9 आया कि नहीं, कट कट आके माइनस 1 बचा, बढ़िया सर, तो माइनस 3 कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 का क्यूब इनटू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर 2x प्लस 3 का स्क्वायर और नीचे 3x प्लस 4 का पावर 4। कैसे किया आइडिया दोगे, लॉपिटल ठीक है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, चेक कर लो वन पुट करके, ये हो जाएगा एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स नीचे तो वन एक्स टर्न इंटू वन, तो एफ डैश एफ ऑफ वन तो वन ही है, फिर एफ डैश वन फिर एफ डैश वन, तो अंदर तो वन ही है, तो ये एफ डैश वन का स्क्वायर प्लस एफ डैश वन टू दिया तो आंसर सिक्स, खत्म कहानी है ना। अरे यार हर बार वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि वैल्यू ले पाएगा, ये सब कचरा मत करना, चल तेरे लिए दूसरा सवाल लिख। एफ नॉट वन वन है, अरे ठीक है रुक जाओ, एफ नॉट वन वन है बिना लॉपिटल के, लो बिना लॉपिटल ले ले, लिमिट एक्स टेंड इनटू वन एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स
प्लस टू टाइम्स एफ एक्स माइनस वन, वन को एफ ऑफ वन ही ले लो और एक्स माइनस वन अलग अलग डिवाइड कर दो. ये वाला पार्ट हो जाएगा बाय डेफिनेशन 2 टाइम्स f डैश 1 जो कि 4 हो जाएगा. ये कहानी तो खत्म. इस वाले को लिख सकते हैं f ऑफ fx माइनस fx अपॉन fx माइनस x, x इस केस में टेंडिंग टू 1 है और ऊपर fx माइनस x अपॉन x माइनस 1 लिख सकता हूं. अब देखो अंदर जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों ही 1 टेंड कर रही हैं और ये भी ऐसे ही है तो ये बाय डेफिनेशन जो मैं करवाया था अभी तो एफ डैश वन वापस से हो जाएगा. और ये वाला भी एफ एक्स माइनस एफ वन माइनस एक्स माइनस वन ऐसे लिख सकता हूं. दोनों में एक्स माइनस वन अलग अलग डिवाइड कर दो ये ब्रैकेट. ये तो हो जाएगा एफ डैश वन और ये एक्जेक्टली वन और बाहर एक और एफ डैश वन टू और ये टू माइनस वन टू आएगा टू प्लस फोर सिक्स आएगा. थोड़ा सा बड़ा दो तो और छोटा भी हो गया ठीक है ना. रिपेयर ऑपरेटिव बढ़िया था. एफ वन एक्स है एफ एन प्लस वन एक्स है एफ नॉट ऑफ एफ एन एक्स for all n belongs to natural या whole number ठीक. तो sigma f n x n की value 0 से infinity या 0 से n upon x minus 1 limit x tending to 1 और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 3 बाय 2 फाइंड f नॉट s1. अब ठीक है थोड़ा ऊपर ही ठीक लग रहा था ना. अच्छा इसमें एक चीज और मिसिंग है माइनस n. अब सही है नहीं अब सही है हो गया. अच्छा एन भी नहीं फिर एन प्लस वन तो एक काम एक में भी एक प्रॉब्लम है. एन की वैल्यू वन आर की वैल्यू वन से एन कर लेते हैं एफ आर एक्स और आर वन से अब बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है काम करते. देखो यार बताओ 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 एफ एन प्लस वन एक्स जो है वो एफ नॉट ऑफ एफ एन एक्स है ना. तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा एफ एन प्लस वन डैश एक्स तो जाएगा एफ नॉट डैश एफ एन एक्स और साथ में होपफुली एफ एन एक्स का डैश है ना. देखते हैं पता नहीं मुझे भी आईडिया नहीं मतलब डाटे कैसे लिखा रहे. अब एक्स को वन पुट कर दो तो एन प्लस वन एथ डेरिवेटिव एन प्लस वन एथ फंक्शन का डेरिवेटिव एट वन इज एफ नॉट डैश ऑफ
एफ एन वन तो वन ही है क्योंकि हर बार वन लगाने पे वन ही मिलेगा, इंटू एफ एन डैश एक्स मिलेगा शायद, होपफुली एफ एन डैश वन मिलेगा, सर मिलेगा ना, देखना क्योंकि ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है अंदर। अच्छा डेरिवेटिव हमें नहीं पता क्योंकि यही तो निकालना है, इफ डेरिवेटिव को आर मान लेते हैं, एफ एन प्लस वन डैश एट वन होगा आर टाइम्स एफ एन डैश ऑफ वन, मतलब जीपी बनाएगा हर डेरिवेटिव पिछले डेरिवेटिव से वन पे, बनेगा कि नहीं। तो अगर इनिशियल डेरिवेटिव मेरा आर है, ठीक है, तो ये जो अगला डेरिवेटिव आएगा क्योंकि ये तो वन से स्टार्ट हो रहा है, आर स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो जब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे लॉपिटल लगाएंगे, इसमें लॉपिटल रूल ही काम करेगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर पावर फोर अप टू इन्फिनिटी चलेगा क्योंकि एन इन्फिनिटी जा रहा है, और ये थ्री बाय टू होगा, सही है ना। ये समझ में आया नहीं आया जीपी वाला, क्योंकि यहां पे तुम अगर एन को जीरो पुट करोगे तो जो पहला डेरिवेटिव ही आ रहा है वन वाला वही आर इंटू जीरो डेरिवेटिव आ रहा है, और वो खुद ही आ रहा है आर स्क्वायर ही हो गया, मैंने आर स्क्वायर से स्टार्ट किया, यहाँ पे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आर स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर थ्री बाई टू होगा, ये मानते हुए कि मॉड आर वन से छोटा ही है, तब ये जीपी वैलिड है। तो टू आर स्क्वायर प्लस थ्री आर माइनस थ्री जीरो, आर का आंसर माइनस थ्री प्लस माइनस कितना फोर प्लस ट्वेल्व, नहीं फोर नहीं नाइन प्लस, सॉरी गलत लिख गया, नाइन प्लस 24 by 4, ये सही है। तो R आ गया -3 plus root 33 by 4 या -3 minus root 33 by 4, root 33 approximately कितना होगा? 4 root 2 के आसपास, तो 4 into 1.4 5.6 5.7 हाँ 5 के आसपास ही हो जाएगा, 5.4 से तो बड़ा ही आएगा, 5.6 5.7 आएगा, तो ये वाला नंबर तो माइनस वन से छोटा हो गया, ये नहीं लेंगे, यही ले पाएंगे, ठीक है। तो जो आंसर है वो कितना हो गया, रूट 33 माइनस 3 बाय 4, ठीक। अब ये क्वेश्चन प्रॉपर लॉपिटल लायक था कि नहीं, और ये रिकर्जन बनाए बिना ये होगा नहीं, तो तुमने रैंडमली ऊपर वाला लिखा तो ये नीचे, अरे बालक अगर अज्यूम नहीं करेगा तो ये वैल्यू फाइनाइट आएगी नहीं, इनफाइनाइट चली जाएगी ना, बोल रखा है फाइनाइट है, तो जीपी का सम फाइनाइट आता है इस केस में है, कैसी बातें कर रहा है, इनफाइनाइट मान लेते, अगर फाइनाइट अगर आर को वन से बड़ा मानता तो वैल्यू फाइनाइट ना के इनफाइनाइट चली जाती, थ्री बाय टू कैसे आती, तो थ्री बाय टू अगर आ ही रही है तो फाइनाइट पे आएगी, तो मॉड आर वन से छोटा ही होगा, ये तो जीपी में हमेशा मानते हैं इनफाइनाइट में, और आंसर आए तो हमेशा निगलेक्ट करते हैं, नहीं किया तो ऑप्शन तो तैयार है ही अपने पास, हाँ कि नहीं, जी तैयार बैठा है तुम्हारे लिए, आओ मालूम से स्वागत करेंगे। चलो अगला देखें, एक ट्रिक देखो ये वाली, कुछ लोगों ने कुछ डाउट में पूछा भी था, मैंने होमवर्क भी दिया था, बट तब भी एक बार एक्सप्लेन कर देता, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी कितना होता है, अरे बोल दो, इसमें भी टाइम लगाओगे क्या, वन अपॉन वन माइनस एक्स या वन माइनस एक्स का पावर माइनस वन, हाँ इसको कर दो डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा पहले तो आएगा माइनस, फिर वन माइनस एक्स का पावर माइनस टू, और फिर एक माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक और माइनस वन, मतलब इफेक्टिवली कितना आ गया, वन माइनस एक्स का पावर माइनस टू, तो वो इसके डिफरेंशिएशन के बराबर आएगा, कितना है, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखो ये सीरीज थी जीपी, ये आ गई है जीपी, आ गई ना कॉमन डिफरेंस वन वाली, कॉमन रेशियो एक्स वाली और फर्स्ट टर्म वन, फिर कर दो डिफरेंशिएट, तो माइनस टू वन माइनस एक्स का पावर माइनस थ्री, चेन रूल के कारण एक और माइनस वन, यहां क्या मिलेगा, टू प्लस सिक्स एक्स ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ट्वेंटी एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, टू से डिवाइड कर दो, तो पहली सीरीज तो थी ये, दूसरी सीरीज बनी ये,
और तीसरी आप बनाएंगे टू से डिवाइड करके, वन प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये वन माइनस एक्स का पावर माइनस थ्री। बट ध्यान रखना ये सारी सीरीज तभी वैलिड है जब मॉड एक्स वन से छोटा है, ठीक है ना। इस बार अगर तुम टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो मेथड ऑफ डिफरेंस लग जाएगा इसमें और ऊपर वाली एपी बन जाएगी, बनेगी जब कोफिशिएंट का डिफरेंस लोगे तो इस बार टर्म्स जो है उनका डिफरेंस एपी में, साथ में जीपी तक जीपी के टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए। इसमें जो जनरल टर्म था वो लीनियर था, इसमें जो जनरल टर्म है वो क्वाड्रेटिक है, एक्स क्वाड आके ऐसी अगली बार करेंगे तो जनरल टर्म क्यूबिक बनेगा। बट इसको अगर ऑब्जर्व किया जाए इधर से, वन कौन सी चीज है ये, पास्कल ट्रायंगल। तो देखो जो पहली सीरीज है ये वाली, इसके सारे कोफिशिएंट्स ये आ रहे हैं, देखना। फिर जो सेकंड सीरीज है ये वाली, इसके सारे कोफिशिएंट्स ये आ रहे हैं, इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो, तो इधर जा सकते हो तो ऐसे भी जा सकते हो। और जो तीसरी सीरीज है ये वाली, इसके सारे कोफिशिएंट जा रहे हैं ये वाले। इसी वजह से सुनना ध्यान से, जो इसका पहला कोफिशिएंट था वो इसके शुरू के दो कोफिशिएंट्स का सम है, इसका जो तीसरा कोफिशिएंट था वो इसके शुरू के तीन कोफिशिएंट्स का सम है। सिमिलरली नीचे भी हो रहा है, पहले और दूसरे कोफिशिएंट का सम थ्री, पहले दूसरे और तीसरे कोफिशिएंट्स का सम सिक्स, पहले दूसरे तीसरे चौथे का सम टेन, जाना ही चाहिए। क्योंकि ये देखो इन दोनों का सम इसमें आता है, फिर इन तीन का सम इधर आता है, फिर इन चार का सम इधर आता है, तो इधर भी ऐसे चल रहा है। दो का सम इसमें आता है, तीन का सम इसमें आता है, चार का सम इसमें आता है, पांच का सम इसमें आता है, बैठ गया। और आगे की सीरीज ऐसी सिमिलरली लिख सकते हैं। थोड़ा सा रैंडम यूज बताऊं, अभी थोड़ा डाउट क्योंकि पूछा था मुझे वही बताना था, बट वही उसी तरह से कुछ बता देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है 3r प्लस 2 ओमेगा पावर r, और r मान लेते हैं 1 से 20-23, क्लियरली एजीपी है कि नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, फाइनाइट टर्म्स की, इनफाइनाइट टर्म्स की नहीं है। यस एक पार्ट तो लिख दो 3r ओमेगा पावर r, तो 3 कॉमन ले लो, या r माइनस वन से स्टार्ट करते हो और अच्छा लगेगा, पहला टर्म जीरो ही है। तो r ओमेगा पावर r माइनस वन, r की वैल्यू 1 से 20-23, और एक 2 टाइम्स ओमेगा पावर r माइनस वन, r की वैल्यू 1 से 20-23। जरा 20-23 को 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा एक चीज और भूल गया लिखना, ओमेगा जो है वो है यहाँ पे रूट ऑफ यूनिटी, ठीक। नहीं 2024 से सही बैठेगा, तो इसका मतलब कि ओमेगा पावर 2024 जीरो है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा पावर 2023 भी जीरो है, ताकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। काम खत्म, एक पार्ट का तो काम खत्म, ये वाला पार्ट बचा, सॉरी 1 है, हाँ मैंने जीरो लिख दिया, ये 1 है नीचे जीरो है, ठीक है ठीक है, ठीक है। यहां तक सब सही चल रहा है ना अभी, तो अब जीपी मुझे पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स पावर 2024 कितना होता है बताना जरा, जीपी का फॉर्मूला किसी भी एक्स के लिए गिवन दैट मॉड एक्स 1 से छोटा हो कितना होता है, 1 माइनस एक्स पावर 2025 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये तो किसी भी जीपी के लिए लिख सकते हो, बस एक्स 1 ना हो वाली बात है ना। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा, ये पहला तो जीरो, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू, नहीं गलती कर दिया, ये 2024 नहीं लाना था, यहाँ 2024 ही आता क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में इतना ही रिक्वायरमेंट है।
तो ये लास्ट टर्म कितना आएगा, 2023 और x पावर 2022 क्या? बस माइक ऑन कर बेटा, क्या बोलना चाह रहा है? ऐसे मत बोल, ऐसा ना समझ में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा से एक टर्म बचेगा ये बोल रहा है ना? यस सर। और वो मेगा पावर कौन सा होगा? 2020 थ्री बचेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, क्योंकि मैं दोनों में ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा पावर 2023 जीरो है, तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा? ठीक है, 2022 में खत्म हो रहा है तो माइनस ओमेगा पावर 2023 बचेगा ये नंबर। ठीक है, यही बोल रहा है ना? यस सर। ठीक है, या फिर इसको बोल सकता हूँ माइनस 1 बाय ओमेगा बचेगा, क्योंकि ये इतना 1 होता है। अब आ जाओ इस पे, इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा। पहले तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, माइनस 2024 और एक्स पावर 2023 अपॉन 1 माइनस एक्स, और सेकंड टर्म आएगा 1 माइनस एक्स पावर 2024, नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इनटू एक और माइनस 1 प्लस बन जाएगा। बन गया, बना कि नहीं? अब इस पूरे में क्योंकि ये निकालना है तो एक्स को ओमेगा पुट कर दो, तो ये वाली सीरीज आ जाएगी, इसको ए मान लेता हूं, तो ये पूरा टर्म तो हो जाएगा ए, यहां पे 2024 इंटू 1 बाय ओमेगा, नीचे 1 माइनस ओमेगा, और ये तो 2024 ही है तो ये तो सही हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ओमेगा पार्ट 2024 वाला है, और इसमें ये ऐड करना है, तुम्हारा आंसर कितना आएगा? माइनस 2024 बाय ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, और साथ में माइनस 1 बाय ओमेगा जो भी आया इसी में। ठीक है, ठीक है ना? स्क्रॉल करने में रह जाता कई बार ऊपर नीचे, ये पैटर्न चलता है आर का, आर आर तो आर का पैटर्न चलता है 1 2 3, ये तो पैटर्न चलता है आर में इंटीग्रेशन में भी चलता है, स्क्वायर इनटू एमसीआर का सिग्मा, आर की वैल्यू 0 से है, देखें वन प्लस एक्स पावर एन कितना होता है, एन सी 0, एन सी 1 एक्स, एन सी 2 एक्स स्क्वायर और एन सी एन एक्स पावर एन, पता है कि नहीं? कर लिया जाए डिफरेंशिएट, एन 1 प्लस एक्स का पावर एन माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, फिर एन सी 1, 2 इंटू एन सी 2 एक्स, 3 इंटू एन सी 3 एक्स स्क्वायर एंड इंटू एन सी एन एक्स पावर एन माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, अब इसमें x मल्टीप्लाई कर दो वापस से, तो एन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस 1, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 0 ही लिखता हूं मैं, 0 इंटू एन सी 0 पहला लिख देते हैं, अगला ये वाला 1 इंटू एन सी 1 एक्स, 2 इंटू एन सी 2 एक्स स्क्वायर और एन इंटू एन सी एन एक्स पावर एन, कोई प्रॉब्लम? मतलब ये पूरा पार्ट हो गया कितना, आर इंटू एन सी आर एक्स पावर आर, और आर की वैल्यू 0 से एन,
दिस इज एन एक्स एन वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन, है कि नहीं? फिर कर दो डिफरेंशिएट, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले x को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, 1 प्लस x पावर n माइनस 1, फिर x को डिफरेंशिएट छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, n माइनस 1, 1 प्लस x पावर n माइनस 2, तो यहां पे x पावर r का डिफरेंशिएशन आएगा सिग्मा के अंदर, r की वैल्यू 0 से n, तो एक r, एक ncr और एक r इंटू x पावर r माइनस 1, ये r r स्क्वायर बना देगा, जो कि हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं? अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, इस आइडेंटिटी में x को 1 पुट कर देते हैं, तो यहां पे और यहां पे और यहां पे और यहां पे x को 1, तो n into 2 power n minus 1 और यहां n n minus 1 2 power n minus 2 और यहां मिलेगा r square into ncr जिसमें r की वैल्यू 0 से n जा रही है जो हमें चाहिए, हां कि नहीं? तो 2 to the power n minus 2 कॉमन लो और देखना n n plus 1 बनेगा ये पूरा पार्ट, r square ncr r की वैल्यू 0 से n, ठीक है? तो ये यूज होता है बाइनोमियल वगैरह में, तो सीरीज वाला पार्ट और देखते हैं, और करें कुछ ट्रिग्नोमेट्री वेरिएशन देखें पहले, ये सीरीज वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, पर डिफरेंशिएशन ही लग रहा है केवल, अरे हर टर्म में केवल x का टर्म ही तो डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे ना, हर टर्म में ये देख, जब n इस वाले को डिफरेंशिएट करेगा तो x को डिफरेंशिएट किया, इस वाले में केवल x स्क्वायर तो डिफरेंशिएट हुआ, इतने पार्ट में x पावर n ही तो डिफरेंशिएट हुआ, इसलिए कर सकते हैं सिग्मा के अंदर। और देख एक चीज लिख ले, अगर कोई फंक्शन है जिसमें n x या r और x वेरी कर रहा है, r और x वेरी कर रहा है और तुम्हें d by dx करना है, ठीक है ना, तो अंदर वाले में क्या फॉर्म लिखते हैं, r1 से कुछ n जा रहा है और अंदर f of r comma x है और इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो r1 से x लो और अंदर r को कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, क्योंकि r और x इंडिपेंडेंट है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक, आगे बढ़ो, cos pi by 7, 2 cos 2 pi by 7, ये रुको इसमें थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, अच्छा एक 360 की साइकिल पे साइन या कॉस के डिफरेंस अगर डिफरेंस लो तो सम जीरो आता है, अगर इक्वल डिफरेंस पे एंगल्स लो और 360 की साइकिल पे इक्वल डिफरेंस पे एंगल्स लो उनके साइन का सम लो या कॉस का सम लो जीरो आता है, जैसे मान लो तीन वेक्टर ले लिया जिनके बीच के एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा ना, मतलब कि कॉस कंपोनेंट का सम भी जीरो और साइन कंपोनेंट का सम भी जीरो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो, ठीक है, cos x plus 3 cos 3 cos 3x plus 5 cos 5x up to, पहले तो यही लेते हैं 2n minus 1 cos 2n minus 1x, मान लो सम का फॉर्मूला बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले तो बहुत सारे बनते हैं, अब हर बार हर फॉर्मूला तो याद कर नहीं सकते, कुछ तो सॉल्व भी करने पड़ेंगे, जैसे ये वाला है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे एफ एक्स sin x plus sin 3x plus sin 5x up to sin 2n minus 1x, लिख सकता हूं क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, करके देखो, हर एक में 3 5 बाहर निकल आएगा, ये फॉर्मूला हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में, अल्फा है x, बीटा है 2x और नंबर ऑफ टर्म्स है n, याद है किसी को फॉर्मूला, sin n into beta by 2 मतलब nx upon sin beta by 2 मतलब sin x into sin फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का अरिथमेटिक मीन, तो एक और nx, ये आता है fx, ये वाला जो चीज है ये थी n into beta by 2, ये वाली चीज थी beta by 2 और ये वाली थी alpha plus n minus 1 beta by 2 अगर याद आ रहा हो तो, था ना ट्रिग्नोमेट्री में,
तो हमारे पास ये जो सीरीज है जो साइन वाला सम वो इसके बराबर आ रहा है जो कि है साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन एक्स, एन को फिक्स मानते हुए डी बाई डी एक्स, ऐसे एन डिस्क्रीट नंबर है तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसको जी एक्स मान लेते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने पे इधर तो जी एक्स मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, पहले टू साइन एन एक्स इंटू एन कॉस एन एक्स मिलेगा डिवाइडेड बाय साइन एक्स, हाँ कि नहीं, माइनस साइन स्क्वायर एन एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स और ऊपर कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिया डिफरेंशिएशन का, तो फाइनली ये मिला कुछ एन साइन टू एन एक्स अपॉन साइन एक्स साइन स्क्वायर एन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब मान लो इसके बाद एक्स और एन की कोई वैल्यू दे रखी है तो बाद में पुट कर लेंगे, या यहीं पे एक्स और एन कुछ दे रखे होते उनको पुट कर लेते पहले, लेकिन एक्स और एन के टर्म्स में डिराइव करते हैं इनको। अब जैसे मैं देखो सिंपल सिनेरियो लेता हूं, क्वेश्चन पूछा गया जा सकता है एक्स को लेते हैं पाई बाय सिक्स और एन को मान लो ले लेते हैं 16, तो ये नंबर क्या होगा 16 इंटू साइन 16 तो 8 पाई बाय 3, 16 पाई बाय 3 आएगा, आएगा नीचे हाफ होगा, इसमें नीचे 1 बाय 4 होगा साइन स्क्वायर एन एक्स, तो साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 6, होपफुली ऐसी बनेगा, ये आ जाएगा 32, इसमें से 2 पाई 2 पाई 2 पाई चार बार हटा सकते हैं तो साइन 4 पाई बाय 3, और साइन स्क्वायर 8 पाई बाय 3 में से 2 पाई हटा दो साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 3, तो 4 साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 6 32 इंटू माइनस रूट 3 बाय 2 4 इंटू रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर, बड़ा खराब सा आया 16 रूट 3 और माइनस 3 आया ना। अब तुम सोचिए ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा होता तो बाकी तो वैल्यू, मतलब मैंने एक आइडिया दे दिया, हो सकता है एंगल्स को और देखिए डाटा अरेंज करके सिंपल आ जाए, तो अभी इस नीचे वाले पार्ट की इतनी जरूरत नहीं है, ये तो नीचे वाला पार्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के अपने को पता लगेगा, बट अगर एक्स और एन इसी तरह का कोई पैटर्न दिया सिग्मा के फॉर्म में तो उल्टा सोचना पड़ेगा पहले कि किसके डिफरेंशिएशन से बन रहा होगा और बाद में एक्स और एन को कोई कांस्टेंट पुट कर देंगे। डन, एक और वेरियंट लिखो, एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, जी एक्स दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, एच एक्स दिया है एफ ऑफ जी एक्स और एल ऑफ एच एक्स ये दिया है एक्स, हो गई पूरी कहानी, ठीक है। L डैश 229 बताना है, बताओगे, आवाज नहीं आ रही क्या अब, ठीक है।
बताओ बताओ एल डैश टू 29। अब इस तरह के चार मतलब अलग अलग ऑप्शन दिए थे और क्वेश्चन में मल्टीपल में एक ऑप्शन ये था जिसमें जेई ने एक सवाल पूछा था। डाटा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मुझे बस एफएक्स याद था, मैंने एफएक्स उनका ले लिया बाकी अपने मन से ले लिया। एफएक्स है प्रोडक्ट एंड 1 से 100, ये तो क्या नोन क्वेश्चन है, मतलब बनाया हुआ नहीं है। एक्स माइनस 100 और पावर में एन इंटू 100 एंड 1 माइनस एन एफ ऑफ 101 बाय एफ डैश 101 निकालना है। इसको आराम से होमवर्क में करना, देखना मत तो वैसे तो मिल ही जाएगा ये सवाल। अभी सब्स्टिट्यूशन वाला और कराना है, हायर डेरिवेटिव तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, पर सब्स्टिट्यूशन वाले बच रहे हैं अपने। जैसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं ताकि अगली बार ध्यान से इस पर डिस्कस कर लेंगे। एफ एक्स है जी डैश एक्स, जी एक्स है माइनस एफ डैश एक्स, एच एक्स है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का स्क्वायर, और एच ऑफ 5 10 है, तो एच ऑफ 10 क्या होगा? ठीक है ना, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, करने ही करने टाइप के, पर मैं तो अलग अलग वेरिएशन बताऊंगा इनके। इसका कुछ बेटर है क्या? इसमें उल्टा सोचना पड़ता है कई बार। एफ ऑफ 1 6 है और जी ऑफ 6 निकालना, 216 प्लस 12 प्लस 1 229 है, और इसमें यही वाली चीज उल्टी सोचनी थी जेई के पेपर में भी। तो यहां देखो, इसको डिफरेंशिएट करो, एल डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, ये 1 होगा, होगा कि नहीं? अब x को 1 पुट कर दो तो l डैश h ऑफ 1 इंटू एच डैश 1 1 होगा। h डैश 1 तो निकाल ही लोगे चेन रूल से पुट करके, और ये जो h ऑफ 1 है क्योंकि h ऑफ 1 f ऑफ g ऑफ 1 है तो वो 229 ही आएगा। ये आएगा l डैश 229 जो निकालना है, और अपना आंसर होगा 1 बाय h डैश 1, तो आएगा f डैश g ऑफ 1 इंटू g डैश 1, निकल जाएगा आगे। आज समझ में आ रही है? पर उल्टा सोचने वाली मतलब जनरली 1 2 3 वाली वैल्यू भी देते हैं, बट थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन तो दे ही दिया था सोचने के लिए। वैसे डिफिकल्ट नहीं है, डाटा डिफिकल्ट कर दिया है। ठीक है, हाँ बोल पर जल्दी से। सर अगर l डैश 229 निकालना है तो हमें ऐसी x की वैल्यू चाहिए जिस पे hx 229। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब f ऑफ gx 229 चाहिए। हाँ बट ये तो g ऑफ f ऑफ 1 आ रहा है ना 229, f ऑफ g ऑफ 1 तो आएंगे। अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मुझे भी मुझे ही गलती हो गई, यहाँ पे एच एक्स जी ऑफ एफ एक्स है, ठीक उल्टा लिख दिया जी ऑफ एफ एक्स। अब सही है, हाँ जी अंशु। सर एक बार ये क्वेश्चन ऑफिस यार देख, ये फंक्शन 1 पे 6 आ रहा है और ये फंक्शन 6 पे 229 आ रहा है, इस पूरे को देख के बोल सकते हैं कि एच ऑफ 1 जो कि होगा जी ऑफ एफ ऑफ 1 वो 229 आएगा। Yes, sir. आएगा ना? हाँ। तो बस वैल्यू पुट कर दे, एक्स की वैल्यू वन लीजिए, ठीक? यस सर। चलो बस, अब बाकी डिफरेंशिएबिलिटी वाली क्लास में बताता हूँ नेक्स्ट वाली, और आज शाम तक बस इसको और दोनों रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा रेंडरिंग पे लगा के, जैसे तो घर पे है तो मैं भेज दूंगा, ठीक है? चलो जाओ यार, देख बच्चे रहने को जो बचा है ना डिफरेंशिएबिलिटी के साथ ही करा दूंगा, मतलब ऐसे कुछ वैसा खास नहीं बचा है कि फंसोगे तुम, और कुछ ये आप जैसे ये वाली चीज़ें मैं करा रहा हूँ, मतलब ये मॉड्यूल का पार्ट तो है नहीं, तो इस वजह से कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना कि मतलब बचा है कि नहीं बचा, को कैसे डिफाइन करूँगा मैं भी। हाँ मॉड्यूल करो डिफरेंशिएशन की, मॉड्यूल में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जब जब हमने फंक्शन लिमिट्स कर ली थी ना तभी मैंने बोला था कर, आगे एक पॉइंट की बात तो कर ही लेना उसको, इनको तो सवाल करके फंसोगे ना तो बता देना, मॉड्यूल कर दो अभी ना, कुछ डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन सोच के मत करो कि ये करेगी ना करे, क्योंकि मतलब वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं बताऊंगा भी तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये वैसे नहीं सोचते तो भी हो ही रहा था, जैसे स्टेटमेंट वाली चीजों का ना कोई सेफ पार्ट नहीं है। अब जो फंसोगे वो एक्चुअली एओडी में वाला पार्ट है, एक्चुअली लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मेन फंसने वाला पार्ट है वो लिमिट्स है, उसके बाद तो शॉर्टकट करते हैं। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा दोनों की रिकॉर्डिंग भेजूंगा एक साथ, नोट्स तो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ क्लास खत्म करते, ठीक है? चलो बाय।